आइए वो गजल जिसको गालिब ने, इकबाल ने, मीर ने, दाग ने, मजाज ने अपने खून जिगर से सजाया और संवारा था। गजल का वो लबो लहजा जो दिलो दिमाग को छू जाता है। गजल का वो लबो लहजा जो इंसानी एहसासात और जज्बात पर जादू जैसा काम करता है। आज के इस दौर में भी उस लबो लहजे के पासदार मौजूद हैं। नए इस दौर में हम तर्जमाने मीर ओ गालिब हैं। नए इस दौर में हम तर्जमाने मीर ओ गालिब हैं। जहां में शान उर्दू हमसे परवानों से कायम है। हमारे सर पे ताबिंदा है ताजे फिक्र फन फैजी। हमारे सर पे ताबिंदा है ताजे फिक्र फन फैजी। गजल की सल्तनत हम जैसे दीवानों से कायम है। आवाज देता हूँ जनाब हाशिम नोमानी साहब को, उस गजल के अछूते लबो लहजे के शायर तशरीफ लाएं और मीर ओ गालिब की याद दिला दें। अस्सलामु अलैकुम हजरात, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मुशायरा शादी के सिलसिले में मुनाक़िद हुआ है। आज दोपहर में वलीमे की सुन्नत अदा की गई। मेरी खुश नसीबी कि मैं भी शामिल हुआ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले चार मिसरे नए जोड़े के लिए, उसके बाद आप और मैं समाप्त करें। दूल्हा मियाँ शायद यही हैं। चार मिसरे अर्ज करता हूं कि मुबारक हो तुम्हें दूल्हा मियाँ सेहरा, मुबारक हो। मैं एक बात भूल गया कि मैं ये चार मिसरे अपने तमाम शायर साथियों की तरफ से, क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा, मैं ये चार मिसरे पेश करता हूं कि मुबारक हो तुम्हें दूल्हा मियाँ सेहरा, मुबारक हो। बेशक मुबारक हो तुम्हें दूल्हा मियाँ सेहरा, मुबारक हो। मोहब्बत और चाहत से भरा तोहफा, मुबारक हो। मोहब्बत और चाहत से भरा तोहफा, मुबारक हो। और दुआएं कर रहा हूं मैं तुम्हें आमीन कहना है। दुआएं कर रहा हूं मैं तुम्हें आमीन कहना है कि इन बच्चों को सारी उम्र ये रिश्ता मुबारक हो। दुआएं कर रहा हूं मैं तुम्हें आमीन कहना है कि इन बच्चों को सारी उम्र ये रिश्ता मुबारक हो। हजरात यहाँ से चार मिसरे और देखें कि उसी के हुक्म से आबाद होते देखा है। हाशिम सुने कि उसी के हुक्म से आबाद होते देखा है, उसी के हुक्म से बर्बाद होते देखा है। उसी के हुक्म से आबाद होते देखा है, उसी के हुक्म से बर्बाद होते देखा है। और किसी अमीर को मिल जाता है गनी का खिताब, किसी अमीर को मिल जाता है गनी का खिताब, किसी अमीर को शद्दाद होते देखा। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। किसी क्या बात है हाशिम भाई, किसी अमीर को शायरी हो रही भाई का खिताब, इस्तकबाल कीजिए, शायरी हो रही है। को मिल जाता है गनी का खिताब, किसी अमीर को शद्दाद होते देखा है। हाशिम भाई बहुत बहुत फिर से मुकर्रर, किसी अमीर को उसी के हुक्म से आबाद होते देखा है, उसी के हुक्म से बर्बाद होते देखा है। और किसी अमीर को मिल जाता है गनी का खिताब, किसी अमीर को शद्दाद होते देखा है, किसी अमीर को शद्दाद होते देखा, शद्दाद होते की देखा। समाज करें अर्ज किया है कि मोहब्बत जख्म खुशबू फूल खंजर बांध लेते हैं। क्या कहने, मोहब्बत जख्म खुशबू फूल खंजर बांध लेते हैं। हम अपनी शायरी में कितने मंजर बांध, हम अपनी शायरी में कितने मंजर बांध लेते हैं। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। हम अपनी शायरी में कितने मंजर बांध लेते हैं। और ये हाशिम भाई शेर आपके लिए कि हमें गैरत हमारी हाथ फैलाने नहीं देती। हमें गैरत हमारी हाथ फैलाने नहीं देती, अगर फाके पे फाका हो तो पत्थर बांध लेते हैं। गैरत हमारी हाथ फैलाने नहीं देती, हमें गैरत हमारी
अरे भाई आप अपनी बात थोड़ी देर बात कर लीजिए, मशवरा बहुत, मैं 400 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूँ, 4 मिनट लगते हैं बर्बाद होने भाई। हमें गैरत हमारी हाथ फैलाने नहीं देती भाई, अगर फाके पे फाका हो तो पत्थर बांध लेते हैं। क्या कहने क्या कहने दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ नौजवान ज्यादा हैं, 4 मिसरे और समाप्त कर लें कि दोस्ती खून भी मांगे तो बचा ली जाए, दोस्ती खून भी मांगे तो बचा ली जाए, दोस्तों से कोई उम्मीद ना पाली जाए। क्या कहने, दोस्ती खून भी मांगे तो बचा ली जाए, बहुत अच्छा, से कोई उम्मीद ना पाली जाए, और जिस्म पर टैटू बनाने से बहुत अच्छा है, जिस्म पर फूल बनाने से बहुत अच्छा है, दिल पे महबूब की तस्वीर बना ली जाए। क्या कहने क्या कहने क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस्म पर टैटू बनाने से बहुत अच्छा है, दिल पे महबूब की तस्वीर बना ली जाए, बहुत उम्दा शायरी हो रही भाई, महबूब की तस्वीर बना ली जाए, और सदियों से दिन रात सफर में रहता है, सदियों से दिन रात सफर में रहता है, एक ही सूरज दुनिया भर में रहता है, एक ही सूरज दुनिया भर में रहता है, और वो ऐसा राजिक है जिसको सब मालूम, वो ऐसा राजिक है जिसको सब मालूम, कौन सा कीड़ा किस पत्थर में रहता, क्या कहने क्या कहने, ऐसा राजिक है जिसको सब मालूम, कौन सा कीड़ा, वो ऐसा राजिक है जिसको सब मालूम, कौन सा कीड़ा किस पत्थर में, कौन सा कीड़ा किस, क्या दोस्तों, क्या? ये 2020 का जमाना है, मुझे वक्त की अहमियत मालूम है, आप बस थोड़ा सा जुड़ जाइए इंशाल्लाह। दोस्तों बहुत अच्छी शायरी हो रही है, आपको शायरी सुना के दादो तहसीन से नवाजे, 2-3 शोरा और रह गए हैं, 2 शायरा 3 शायर समाप्त करें। अर्ज किया है कि मिट्टी के जो दिए थे सितारे बना लिए, मिट्टी के जो दिए थे, जो दिए थे सितारे बना लिए, अनपढ़ गरीब बाप ने बच्चे पढ़ा लिए, मिट्टी के जो दिए थे सितारे बना लिए, अनपढ़ गरीब बाप ने बच्चे पढ़ा लिए, और ऐ सरफिरे अमीर तेरा क्या बिगड़ गया, ऐ सरफिरे अमीर, सुने हजरात अर्ज किया है कि रफ्ता रफ्ता जुल्म भी सहने के आदि हो गए, रफ्ता 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 जुल्म भी सहने के आदि हो गए, और वो कहते हैं हम आतंकवादी हैं। क्या बात क्या बात, बहुत अच्छा, और वो कहते हैं हम आतंकवादी हो गए, और हजरात 4 मिसरे और देखें, अर्ज किया है कि उजड़ी हुई शाखों को आबाद नहीं करता, सयाद परिंदों को आजाद नहीं करता, उजड़ी हुई शाखों को आबाद नहीं करते, सयाद परिंदों को आजाद नहीं करता, और तुम जंग से भागे तो किस किस को सजा दोगे, तुम जंग से भागे तो किस किस को सजा दोगे, अल्लाह भी बुजदिल की इमदाद नहीं करता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह भी बुजदिल की इमदाद नहीं करता। दोस्तों मैं शायरी सुनाना चाहता हूँ, और यहाँ से आप मूड बना ले, वैसे मैं भी मुशायरेबाजी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी गजल आपकी खिदमत में पेश करूँ, समाप्त करें। अर्ज किया है कि मोहब्बतों का जमाना बहुत हसीन है क्या, मोहब्बतों का जमाना बहुत हसीन है क्या, चराग जलता रहेगा तुम्हें यकीन है क्या, मोहब्बतों का जमाना बहुत हसीन है क्या, चराग जलता रहेगा तुम्हें यकीन है क्या। और दोस्तों बात यूं भी कही जाती है, कही जा सकती है कि तुम आसमान को सर पर उठाए फिरते हो, तुम आसमान को सर पर उठाए फिरते हो, तुम्हारे पांव के नीचे मगर जमीन है क्या, ओहो क्या बात क्या बात, बहुत अच्छा शेर, सर पर उठाए फिरते हो, तुम्हारे पांव के नीचे मगर जमीन है क्या, जमीन है क्या, बहुत अच्छी, तुम्हारे पांव के नीचे मगर जमीन है क्या। और यहाँ से मेरा ये शेर कि तुझे न चाहूं तो फिर और किसको चाहूं मैं, तुझे न चाहूं तो फिर और किसको चाहूं मैं, तेरे अलावा कोई और भी हसीन है क्या, क्या बात क्या बात, फिर और किसको चाहूं, तुझे न चाहूं तो फिर और किसको चाहूं मैं, तेरे अलावा कोई और भी हसीन है क्या, क्या क्या शास्त्र के तेरे अलावा कोई और भी हसीन है क्या, बहाने ढूंढता रहता है खुदनुमाई के,
بہانے ٹوٹتا رہتا ہے خود نمائی کے، تمام شہر میں تو سب سے بہترین ہے، کیا کہنے کیا کہنے، تمام شہر میں تو سب سے بہترین ہے کیا، اور یہ شعر بطور خاص کہ کسی پہ ظلم ہو اب کوئی کچھ نہیں کہتا، کسی پہ ظلم ہو اب کوئی کچھ نہیں کہتا، یہ ہستی بولتی دنیا تماش بین ہے کیا، کسی پہ ظلم ہو کوئی کچھ نہیں کہتا، یہ ہستی بولتی دنیا تماش بین ہے کیا، یہ ہستی بولتی دنیا تماش بین ہے کیا، اور ایک غزل کا یوں مطلع کہ آنکھوں کو جب دریا ہونا پڑتا ہے، آنکھوں کو جب دریا ہونا پڑتا ہے سورج کو بھی ٹھنڈا ہونا پڑتا ہے، سورج کو بھی ٹھنڈا ہونا پڑتا ہے، اور مر کر بھی تو چین کی نیند نصیب نہیں، بہت غلط کھینچ رہا ہے، مر کر بھی تو چین کی نیند نصیب نہیں، قبر کے اندر زندہ ہونا پڑتا ہے، قبر کے اندر مر کر بھی تو چین کی نیند نصیب نہیں، قبر کے اندر زندہ ہونا پڑتا ہے، قبر کے اندر، بھائی کاوش رودولوی بھائی نے ہار پوشی کیا، مر کر بھی تو چین کی نیند نصیب نہیں، قبر کے اندر زندہ ہونا پڑتا ہے، کیا کہنے بھائی، اور شعر دیکھیں کہ جس دن آپ عیادت کو آ جاتے ہیں، جس دن آپ عیادت کو آ جاتے ہیں بیماروں کو اچھا ہونا پڑتا ہے، جس دن آپ عیادت کو بیماروں کو اچھا ہونا پڑتا ہے، اور لوگوں کے ناپاک بدن دھوتے دھوتے گنگا جی کو میلا ہونا پڑتا ہے، بہت خوب، ناپاک بدن دھوتے دھوتے گنگا جی کو میلا ہونا پڑتا ہے، اور ایک مطلب بالکل نئے قافیوں میں سماعت کریں، حضرات گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ نوجوانی کی عمر جب پہلے محبت کی تلاش ہوتی ہے آپ محسوس کریں کہ کسی کو دل میں بسانے کا چاؤ ہوتا ہے، یہ غزل کی شاعری، دل میں بسانے کا چاؤ ہوتا ہے، محبتوں میں کہاں مول بھاؤ ہوتا ہے، بہت اچھا، بہت اچھا، دل میں بسانے کا چاؤ ہوتا ہے، محبتوں میں کہاں مول بھاؤ ہوتا ہے، محبتوں میں کہاں مول بھاؤ ہوتا ہے، اور پہاڑ کاٹ کے ملتی ہے منزل مقصود، پہاڑ کاٹ کے ملتی ہے منزل مقصود، کیا زبان، محبتوں کے سفر میں گھماؤ ہوتا ہے، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، محبتوں کے سفر میں گھماؤ ہوتا ہے، اور ایک مطلع دو تین شعر اور سن لے شاید غلط ساتھ دے جائے، کہ نہ جھوٹے یاد رہتے ہیں نہ سچے یاد رہتے ہیں، نہ جھوٹے یاد رہتے ہیں نہ سچے یاد رہتے ہیں، نہ سچے یاد رہتے ہیں، یہ دنیا ہے یہاں لوگوں کو تحفے یاد رہتے ہیں، او کیا دنیا ہے، کیا کہنے بھائی، یہاں لوگوں کو تحفے یاد رہتے ہیں، اور بہت سی نعمتیں کھاتا ہوں کھا کر بھول جاتا ہوں، او بہت سی نعمتیں کھاتا ہوں کھا کر بھول جاتا ہوں، مگر سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے یاد، ٹکڑے یاد رہتا ہے، کیا بات، کیا بات، سوکھے، بہت سی نعمتیں کھاتا ہوں کھا کر بھول جاتا ہوں، مگر سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے یاد رہتے ہیں، اور دوستو چار مصرے اور سنا کے اپنی جگہ لوں گا، کہ اس کی قدرت کے کرشمے نہیں پکڑے جاتے، اس کی قدرت کے کرشمے نہیں پکڑے جاتے، شام کے وقت پرندے نہیں پکڑے، کیا کہنے شام کے وقت پرندے نہیں پکڑے جاتے، اور میں نے روٹی کے لیے اتنی مشقت کی ہے، میں نے روٹی کے لیے اتنی مشقت کی ہے، اتنی مشقت کی ہے، اب تو ہاتھوں سے نوالے نہیں پکڑے جاتے، کیا کہنے، ہاتھوں سے نوالے